हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूँ आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुर्ती के अंदर गोल पल्ले कटिंग और उसकी सिलाई करना बताएंगे, किस प्रकार से नॉर्मली कैसे बहुत आसानी के साथ आप गोल पल्ले कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, कैसे अपने राउंड पल्ले को सिलाई से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसे आप नॉर्मली कुर्ती कटिंग करते हैं। हम यहाँ पर अपनी नॉर्मली कुर्ती की मार्किंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पीस है और इसके नीचे हमारा ये बैक पार्ट है। बिल्कुल सेम नॉर्मल कुर्ती की तरह हमने यहाँ पे इसमें मार्किंग की है। इसमें आपको चेंज यहाँ पे सिर्फ ये करना है, जो नीचे का साइड है, नीचे की साइड आपको यहाँ पे चौकोर ना करके उसे गोल करना है। अब हम क्या करें, देखिए हमने ऊपर से ले नीचे तक नॉर्मल निशान लगाए हैं। अब इसमें बारी आती है नीचे की। अब नीचे अगर आप यहाँ पे आप एक चौकोर पल्ले की कुर्ती बनाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आप कम से कम 3 इंच कपड़ा रखेंगे इस प्रकार से, और ऐसे करके यहाँ पर ये मार्क लगाएंगे और इसको ऐसे कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे चौकोर कुर्ती बन जाएगी। लेकिन आपका जो राउंड पल्ले कुर्ती होती है, गोल पल्ले की जो कुर्ती होती है, इसमें आपको तो यहाँ पे कपड़ा बहुत ज्यादा कम लेना होता है। जितना कपड़ा यहाँ पे लिया उतना कपड़ा आपको उसमें नहीं लेना, कम कपड़ा लेना है। और जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं करीब करीब 1 इंच कपड़ा। अब मान लेते हैं हमारी जो लंबाई है वो यहाँ तक है, जो भी लंबाई पहुंच जाते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं यहाँ पे हमारी लंबाई इतनी तैयार होने वाली है अपनी कुर्ती की, तो यहाँ पे हमारा करीब करीब 1.5 इंच 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। यहाँ पर कपड़ा 1.5 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले अपने राउंड पल्ले का, गोल पल्ले का ऐसे करके एक मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हमने एक गोल निशान ऐसा लगा दिया है। अब आपको उसे कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम इसमें नीचे की तरफ और बराबर की तरफ यहाँ पे करीब करीब 1 इंच कपड़ा, सिर्फ 1 इंच कपड़ा रखेंगे, ज्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे। तो ये हमारी लंबाई, लंबाई से नीचे हम यहाँ पर 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करेंगे। हमने इसकी ऐसी कटिंग की बराबर में, और नीचे से यहाँ पर हमने 1 इंच कपड़ा ऐसे छोड़ दिया, बाकी पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया। अब सारी आती है ऊपर के पार्ट की, तो ऊपर के पार्ट में आपको कोई भी चेंज नहीं करना। नॉर्मली जैसे आप अपनी अपनी सिंपल कुर्ती में कटिंग करते हैं, ऐसे यहाँ पर कटिंग करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने भी सिंपली कुर्ती कटिंग कर दी है। इसमें एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमारे चाक आएंगे और ये हमारा ब्रेस्ट का ये है। कटिंग तो हो गई है, अब बारी आती है इसकी सिलाई की। सिलाई कैसे करेंगे, इसकी सिलाई भी नॉर्मल कुर्ती की तरह ही होती है। इसमें कुछ भी चेंज हमने जो किया है, सिर्फ और सिर्फ नीचे चेंज किया है। नीचे हमने यहाँ पे चौकोना कट करके इसको गोल कटिंग कर दिया है। बराबर में एक्स्ट्रा कपड़ा ना लेके हमने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1 इंच कपड़ा रखा है, और ऊपर की तरफ टोटल जो आपका नॉर्मल आप सिंपल कुर्ती में करते हैं वैसी हमने इसकी कटिंग की है। अब बारी आती है सिलाई की। सिलाई में इसमें आपको कोई भी स्पेशल चीज नहीं करनी, हम आपको उसमें बराबर में सिलाई लगाकर इसको फोल्ड करना बताएंगे, और किस प्रकार से आपको फिनिशिंग से फोल्ड करेंगे उसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताएंगे। चलिए, हम आपको मशीन पे आपको अपने गोल पल्ले को फोल्ड करना मोड़ना बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नीचे गोल पल्ले को ऐसे फोल्ड करना बताएंगे, फोल्ड करने का आसान तरीका ही बताएंगे। और हमने अपने नीचे कपड़े फोल्ड करने से पहले अपने बराबर से यहाँ पर नीचे, सॉरी बराबर में यहाँ पर और यहाँ पर फिटिंग सिलाई लगा ली है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आपको अपने पल्ले को 2 सिलाई फोल्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको फोल्ड करने में आसानी भी होगी और फिनिशिंग से मुड़ भी जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कोई भी एक पीस लेते हैं, ये हमारा आगे का पार्ट है, पीछे का पार्ट है। यहाँ पे हमारा 1 इंच कपड़ा है, तो यहाँ पे आधा आधा कपड़े को, आधा इंच कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको बिना खींचे सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, यहां तक तो हमारा एरिया बिल्कुल सीधा था, हमने यहाँ बिना खींचे सिलाई लगा दी। लेकिन जहां पे आपकी गोलाई आती है, यहां पे आपको नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचना पड़ेगा और ऊपर वाले कपड़े को यहाँ पे ऐसे मोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, सिर्फ जो नीचे वाला ये पोर्शन है इसको आपको हल्का सा खींचना है, हल्का सा खींचना है, और इसको कपड़े को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे पकड़ के इसमें सिलाई लगानी है। अब आपको पूरे एरिया में नीचे कपड़े हल्का खींच के और इसको यहाँ पर मोड़कर सिलाई लगाते जाना है। ये सिर्फ आपको गोलाई वाले हिस्से में कपड़े को खींचना है, बाकी जो सीधा कपड़ा है वहां पे आपको कहीं भी कुछ भी नहीं खींचना।
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पल्ले को इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, ये आपका एक साइड का पल्ला है। इसी प्रकार से दूसरे साइड के पल्ले को भी आपको सिंगल सिलाई में ऐसे ही मोड़ना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड का पल्ले को हमने इस प्रकार से यहाँ पर ये ऐसे फोल्ड कर दिया, आपका आगे का पल्ला भी और पीछे का पल्ला भी, ठीक है। अब इसके बाद में अब यहाँ पे इसको आपको फाइनल लुक देना है, आपको इसको आखिरी बार ऐसे मोड़ना है, और अब आप यहाँ पे आपकी डबल सिलाई लगेगी। अब जहाँ पे ये आपका चाक आता है, यहाँ से आपको अपने कपड़े को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाना शुरू करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है, जहाँ पे सीधा कपड़ा है वहाँ पर नहीं खींचना, और जहाँ पे आपका गोलाई वाला हिस्सा था वहाँ पर वो नीचे कपड़ा खींचना है और ऊपर से कपड़े को मोड़ना है, सेम तरीका है। और जितना आप यहाँ पे छोटे छोटे सिलाई लगाएंगे उतनी आपकी फिनिशिंग से आप उसको कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एक साइड का पल्ला यहाँ पर इस प्रकार से ये फोल्ड हो चुका है। अब हमें अपने इसी साइड से एक ही सिलाई को आगे से पीछे की तरफ लेकर आएंगे। ये आपका आगे वाला चाक, ये आपका पीछे वाला चाक, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से मोड़ेंगे और इसी सिलाई को आगे से पीछे ले जाएंगे, और पीछे के पल्ले को भी आपको इसी प्रकार से मोड़ना है, तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने पल्ले को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब हम आपको इसको सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी कुर्ती को सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद ये जो आपकी कुर्ती है बन के तैयार हो चुकी है। आपको इसी प्रकार से अपने किसी भी राउंड पल्ले को ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करने में ऐसी फिनिशिंग आती है, या फिर अगर इसके अलावा आप कोई भी गोल कपड़ा ऐसे अगर फोल्ड करते हैं तो आप वो भी आपको ऐसे ही डबल कपड़े फोल्ड करना है, डबल सिलाई फोल्ड करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करने में आपको आसानी होती है, फिनिशिंग आती है, और आप उसको अच्छे से फोल्ड भी कर पाओगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आके हमारा वीडियो पूरा होता है। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, और कैसी आप हमारी ट्रिक लगी नीचे गोलाई को फोल्ड करने की ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।